अल्मोड़ा के शोभन सिंह जी ना विश्वविद्यालय को मान्यता मिले हुए 3 साल पूरे हो चुके हैं, पर उसके बावजूद भी इस परिसर में कई प्रकार की खामियां देखने को मिलेंगी। जिस परिसर को साफ और स्वच्छ रहना चाहिए था, वहां पर कूड़ा और आवारा जानवर आपको घूमते हुए नजर आ जाएंगे। इन सभी समस्याओं से यहाँ के छात्र छात्राओं के साथ यहाँ के अध्यापकों को भी रोज जूझना पड़ता है। लोकल 18 ने शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय कैंपस में जाकर देखा तो हमें देखने को मिला निराश्रित गाय, आवारा कुत्ते और फैला हुआ कूड़ा देखने को मिला, जो कि विश्वविद्यालय परिसर के अंदर आता है, जिससे विश्वविद्यालय कम गांव की हालत को ज्यादा दर्शाता है। पर उसके बावजूद भी यहाँ पर छात्र छात्राएं इन्हीं रस्तों से गुजरने के लिए मजबूर हैं। इस विश्वविद्यालय में अल्मोड़ा जिले के विभिन्न जगहों के साथ बाहरी राज्यों के आने वाले छात्र छात्राएं यहां पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, वो भी इन समस्याओं से आए दिन परेशान हैं। बिल्कुल, गंदगी तो है ही, क्योंकि आसपास आप देखेंगे तो गाय अलग ही वो अपना गंदगी फैला ही रही है, और ये जानवर अलग ही हुए यहाँ पे, और प्लस कूड़ा, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे कूड़ा ही है। क्योंकि अगर यहाँ पे डस्टबिन बने होते तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत कूड़ा की समस्या कम हो जाती थी। लेकिन अगर हम और चीज़ की बात और यूनिवर्सिटी की बात करें, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। पढ़ाई चीज़ में और चीज़ों में तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, ये तो मैं मानती हूँ। बस यहाँ पे थोड़ा सा यही है कि स्वच्छता पर यहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो मैं परिसर से रिक्वेस्ट करूँगी कि यहाँ पे आप स्वच्छता का ध्यान दीजिए, ताकि जो परिसर में छात्र छात्राएँ आ रहे हैं वो इस चीज़ को समझे और अपने जीवन में लाए। सर, मैं ऐसा देखता हूँ ना कि जैसे कि मैंने से मैं दो बाहर के दोस्तों से बात करी है तो वो कह रहे थे कि बाहर का व्यूज़ तो बहुत अच्छे होते हैं, बाहर का मतलब पूरा एटमॉस्फेयर अच्छा है बाहर का, लेकिन यहाँ मैं जब देखता हूँ तो बेसिकली ऐसा लगता है कि मतलब कोई भी क्लीननेस कम है। मतलब बेसिकली बाहर की गाय आ जाती हैं, यहाँ पर कचरा फैला देती हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्लीननेस होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे नए आए उनको लगे कि यहाँ पर क्लीननेस और यहाँ पर साफ़ सफाई है। जो मेन प्रॉब्लम परिसर की है, यहाँ पर कोई भी बाउंड्री वाल परिसर के नहीं होने के कारण ये सारी परेशानियाँ परिसर फेस कर रहा है। और हम परिसर विश्वविद्यालय ने इसके लिए जो है विश्वविद्यालय परिसर की चार दीवारी के लिए एक प्रस्ताव शासन को भेजा है, पहले भी भेजा था, अभी वर्तमान में रूसा के द्वारा भी ये प्रस्ताव शासन पर गया हुआ है। जो ही शासन से पैसा स्वीकृत होगा हम चार दीवारी का निर्माण परिसर की करवा देंगे, तो ये सारी समस्याएँ उसके उपरांत अपने आप दूर हो जाएंगी। यहाँ पर पर्यावरण मित्र है, हर संकाय में लगभग पर्यावरण मित्र कार्यरत हैं, तो उन पर्यावरण मित्रों के द्वारा वो साफ सफाई का कार्य, अब आजकल बरसात हुई है तो साफ सफाई का कार्य करवाया जा रहा है। जो ही ये कार्य पूरा होगा तो साफ सफाई हो जाएगी। इसको लेकर हमने कॉलेज के प्रशासन से बातचीत की, उन्होंने बताया कॉलेज में चार दीवारी नहीं होने के चलते इन सभी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इसके लिए उन्होंने शासन को इसका एस्टिमेट भेजा है, करीब 3 करोड़ की DPR उन्हें भेजी गई है। आशा है जल्द ही इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, लोकल 18 के लिए।